हम कुछ नहीं जानता था, सुई में धागा डाल के ऐसे ही उल्टा पुल्टा सिलाई करते थे। मेरे मम्मी को बहुत अच्छे से आता है पर हम कभी इंटरेस्ट नहीं ली। अभी आए तो सीखे, सबसे पहले तो सुई में धागा होगा कैसा भरना, उसको कैसा चलाना, वो सब सीखे। उसके बाद हम लोग स्टिचिंग करें, हम लोग यहाँ के बहुत कुछ सीखे, दोस्त बनाए, बहुत सारा कुछ सिलाई करें। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने रुमाल बनाया है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाला स्टिचिंग है हमारा। उसके बाद हमने तकिया कवर बनाया है, इलास्टिक निक्कर है, शर्ट है, जंगिया है, और ये बच्चों का ड्रेस है छोटा सा। मैं 20 इयर्स की हूँ और मैं अभी टेलरिंग कर रही हूँ 6 मंथ के कोर्स में। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे ब्लाउज़ बनाना, शर्ट बनाना, सूट बनाना और स्टिचिंग करना। हमें बहुत सारे स्टिचिंग करने को सिखाया है। हम जैसे मतलब सीख के हम आगे कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। अभी हम जैसे कि अभी हमारा कोर्स जस्ट अभी ख़त्म होने ही वाला है। उसके बाद हम अभी जो भी सीखे हैं वो घर में थोड़ा मोड़ा शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे अपना हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद फिर हम अपना दुकान खोलकर उसके बाद हम आगे अपना दुकान चलाएंगे और जिससे हम अपना करियर स्टार्ट करेंगे। जो अपने लिए कपड़ा बनाने देते उनको बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं उन लोग। वो तो बच्चे लोग के लिए भी, हम मेरा 2 लड़की है, उन लोग के लिए भी बनाने के लिए भी देते हैं, हम उसके लिए भी ज़्यादा रेट लेते हैं। इसलिए तो खुद काम सीखने के लिए फिर ये अकाडमी के बारे में मालूम चला, इसलिए यहाँ आए थे। फिर यहाँ आके सीखने के लिए बहुत कुछ, मतलब हमको मशीन वशीन चलाने नहीं जानते, हम इतना साल और घर में ही था। फिर इसके बाद हम सीखने आए, फिर सीखे। इतना अच्छा कला है एक टेलरिंग, जिससे हम अपना एक आमदनी कमा सकते हैं। ऐसा अभी बहुत कंपटीशन चलता है, तो उसमें हम बाहर अभी सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो मिलता नहीं है वैसे, पर हम अपना घर में बैठकर भी हम अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो ये हर लड़की को एक कला सीखना चाहिए, जिससे कि हम अपना पैरों पे खड़ा हो सके। तो हम अपना अच्छा आमदनी कमाकर अपने घर में अच्छा से अपना जो भी चीज़ खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होकर सब कुछ कर सकते हैं।